अव्यक्त दो हैं एक तो मूल प्रकृति अव्यक्त है और पर ब्रह्म परमात्मा अव्यक्त है उस अव्यक्त प्रकृति से जब कुछ प्रकट होता है वो महातत्व परिच्छिन्न अहंकार और तब हम व्यक्ति के रूप में अनुभव करने लगते अभी भी नींद में जब मन बुद्धि अव्यक्त हो जाते हैं तो हमारी व्यक्तिगत एग्जिस्टेंस नहीं मालूम पड़ती व्यक्तिगत सत्ता नहीं मालूम पड़ती तब हम करता है भोगता हैं ये हमारा है नहीं है ऐसा विश्लेषण ख़त्म हो जाता है जैसे बहुत तरह के बीज एक बोरी में भर दिए जाएँ तो उनका अलग अलग अस्तित्व तो स्पष्ट नहीं होगा जब वो अंकुरित तो होते हैं तब पौधे पहचाने जाते हैं हमारी निद्रा समझो बीजावस्था है निद्रा हमारी अव्यक्तावस्था है गीता कहती है अव्यक्तादीन भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना नेव तत्र का परिदेवना हम हम नाम की चीज हम ये पहले अव्यक्त थी दे छोड़ो हम हम व्यक्त होते हैं तो व्यक्त हो जाता है हम अव्यक्त हो गए तो कुछ भी व्यक्त नहीं है सुबह जब आप व्यक्त हो गए जग गए निकल आए अंकुरित तो हो गए मैं हूँ का ख्याल पैदा हो गया तो ये आपकी आँखें ये मेरे हाथ ये मेरे पैर ये मैं ये मेरे इस तरह का अनुभव जाग जाता है सबसे पहले आप ही व्यक्त होते हैं और आप अव्यक्त भी हो जाते नींद में अव्यक्त तो हो जाते हैं जागृत और स्वप्न में व्यक्त तो हो जाते हैं काल व्यक्त तो होते हैं रात्रि को अव्यक्त तो हो जाते हैं जन्म में व्यक्त तो हो जाते हैं मृत्यु में अव्यक्त तो हो जाते हैं इसलिए भगवान ने मृत्यु को जन्म को यह कह कर के स्पष्ट किया अव्यक्ताधीन भूतानी ये सारे जीव आदि में अव्यक्त थे अर्थात अलग अलग मैं हूँ मैं हूँ करके मालूम नहीं पड़ते थे जैसे अभी नींद में रात को हम सब अलग अलग मालूम नहीं पड़ रहे थे और न ना तब नागपुर मालूम पड़ता न हमारा अपना देह न हमारे बेटा न हमारी बेटी ना मेरी बहन कोई भी अलग अलग नहीं मालूम पड़ते अव्यक्तादीन भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत मध्य में व्यक्त हुए अव्यक्त निधनान एवं और मरने पर फिर अव्यक्त हो जाएंगे आदि में व्यक्त नहीं थे अव्यक्त थे बीच में व्यक्त हुए बाद में फिर अव्यक्त हो जाएंगे दो शब्दों का प्रयोग अव्यक्त हो जाएंगे या मरने पर अव्यक्त हो जाएंगे अव्यक्त निधनान निधन होने पर देह त्याग कर हम अव्यक्त हो जाएंगे अभी भी नींद में देह त्याग करते हैं इंद्रियां त्याग देते हैं देखना सुनना सब त्याग करके हम निद्रा में चले जाते हैं घोर अंधेरे में जाते हैं फिर आ जाते हैं। जब आते हैं बस ये प्रकाश हो गया प्रकाश का मतलब यही उजेला नहीं हम हैं मेरा देह है मैं खाता पीता हूँ भूखा प्यासा हूँ ये सब व्यक्त हो गया अनुभव में आने लगा ख्याल में आ गया ज्ञान हो गया और हम हैं ये मेरा है ये कम है ये ज्यादा है ये सुख दुख शुरू हो गए इतना मेरा लुट गया इतना मुझे मिल गया ये देह मेरा है मैं मर जाऊँगा ये कब ख्याल आया जब व्यक्त हो गए जब जन्म ले लिया जब देह में आ गए जब होश आ गया तब आपको लगा मैं देह हूँ मैं मर जाऊँगा निद्रा में जब यह व्यक्त नहीं था बेहोशी में जब यह व्यक्त नहीं था तो चाहे मर जाते चाहे कोई मार दे कुछ भी नहीं अर्थात देह को डर नहीं है डर है जब मैं व्यक्त हो जाता हूँ जब तक व्यक्त रहता हूं चिंता करता हूं जब अब व्यक्त हो जाता हूं चिंता करता हूं इसीलिए आप जानते हो मृत्यु में दुख है नहीं जैसे गहरी नींद में दुख नहीं रहता यह तो जागृत में चिंता है आपको चिंता गहरी नींद में होती है कि जागृत स्वप्न में जो आदमी गहरी नींद में चिंतित रहता हो जरा बताए तो चिंताएं क्या है जागृत में हमें जगत दिखता है चिंता शुरू हो जाती है इससे मेरा संबंध जुड़ जाता है मैं का मेरे का नींद में मैं मेरे का संबंध नहीं रहता कोई भय चिंता नहीं रहती इसलिए भगवान कहते हैं मृत्यु में तुम अव्यक्त हो जाओगे इसमें दुख की क्या बात है अव्यक्त थे अव्यक्त हो जाओगे बल्कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद सच तो ये है कि मरने में आनंद है जिससे लोग डरते हैं सोने में आनंद है इसलिए किसी ने कहा किस किस की याद करिए किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है मुंह ढक के सोइए सो जाओ आनंद है कितना चिंता वाला आदमी हो सो जाए चिंता गई एक दवा है सो जाओ सोया और मुआ बराबर मोया मरा हुआ और सोया बराबर न मरे को चिंता न सोए को जब कोई मर जाता है तो रोता कौन है जो मर गया है नागपुर में मरे लोग रोते हैं कि जिंदा रोते हैं ये रोना जो है जिंदा के भाग्य में है मरे लोगों को तो रोने का सवाल ही नहीं ना सोया रोता है न मरा मरा आदमी तो बिल्कुल निश्चिंत होता है क्योंकि रोने के लिए भी मैं हूं मेरा कुछ हो तो मैं लूटूं पीटू मरूं कुछ हो जितनी देर सोया हूँ आनंद ही आनंद है सोने में आनंद रहता है कोई आदमी सो करके उठ के नहीं कहता मैं गहरी नींद में बड़ा दुखी था सब यही कहते हैं आज इतनी अच्छी नींद आई बड़ी सुख से सोया बड़े सुख से कोई दुख नहीं था कोई चिंता नहीं थी जिंदा रहने की भी इच्छा नहीं थी मर जाने का भय तक नहीं था मुझे भगवान मिल जाए यह भी नहीं सोचता था गहरी नींद में और मर जाने वाला भी उतना ही निश्चिंत होता है मर जाने वाले की लोग चिंता करते हैं मरने के पहले लोग अपनी चिंता भी करते हैं मर जाने पर अपनी भी नहीं करते जैसे जेब कटने के जागा हुआ आदमी जेब कटने की चिंता करता है जब सो जाता है तब आराम से जेब कटवाता रहता है कोई चिंता नहीं करता जब जागेगा तो चिंता करेगा कि मेरी कट गई सोए में तो निश्चिंत रहता है मरे आदमी को कोई दुख नहीं होता लोगों ने भय पैदा कर रखा है मरने पर बड़ा होता है ये हो जाता है जब भी कुछ होगा जब आप होश में होगे तब नहीं तो आपका कोई बिगाड़ क्या सकता है सोने में क्या, क्या तुम्हारा कोई बिगाड़ेगा मरे को कोई क्या मारेगा एक है पिष्ट पेशण न्याय पीसे हुए को पीसा नहीं जाता मरे को कौन मारेगा कई बेवकूफ़ लोग मरे को भी मारते होंगे जले भुने बैठे हैं तो मर गया तब भी मरे के दांत तोड़ेंगे उसका ये काटेंगे जैसे कुछ बिगाड़ हो रहा है मरे के बाद में तो इतना भी दर्द नहीं चाहे दांत तोड़ दो चाहे इतना बोटी बोटी काट दो चाहे नस नस चीर दो जब तक जिंदा है तब तक तकलीफ तक है पर अभी आप मरने का लाभ नहीं जानते और भी बड़े लाभ है मरने के सो जाने के बाद आदमी ताजा हो के फिर आता है थका हुआ सोता है और थकान से मुक्त होके आता है बूढ़ा देह लेके मरता है और नया देह लेके आता है मरने से लाभ ही लाभ है पर लोगों को पता ही नहीं कि मरने का भी कोई लाभ होता है यह रद्दी बूढ़ा शरीर सड़ा गला मरने के बाद छूटता है नया लेके फिर आ जाता है वारंसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृहणाति नरोपराणी तथा शरीरानी विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानी देही मनुष्य पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करता है जैसे कोई पुराना कपड़ा उतार के नया कपड़ा पहनता है या पुराना कपड़ा धुला के सुखा के फिर नया साफ़ सुथरा करके पहनता है ऐसे ही सोने में समझो सोने में कपड़ा आपका धुलता है जाग कर पहन लेते हो ताज़ा मरने पर पुराना कपड़ा उतारते हो नया सिला के पहनते हो बस कोई प्रतिदिन हम नया कपड़ा ही नहीं पहनते प्रतिदिन तो हम पुराना उतार कर या गंदा उतार कर साफ करके फिर नया साफ कर पहनते हैं ये जिंदगी है पर आप कभी सोचते नहीं कि ये शरीर हम नहीं है शरीर कपड़ा है शरीर थोड़ी देर के लिए लेते हैं जग जाते हैं तो, तो ये व्यक्तावस्था अव्यक्तावस्था और परम अव्यक्तावस्था परम अव्यक्तावस्था ज्ञानी को प्राप्त होती है अज्ञानी को या तो व्यक्तावस्था या निद्रा में अव्यक्तावस्था बस कार्य और कारण इतनी ही यात्रा करते हैं या तो कार्य जगत या कारण बस या जागृत स्वप्न या सुसुप्त आत्मा परमात्मा की यात्रा नहीं करते इसलिए अव्यक्ता परम अव्यक्ता ज्ञानी लोग अव्यक्तावस्था में ही नहीं जाते कभी कभी वो अपने आत्मधाम की यात्रा करते हैं चैतन्य तक पहुंचते हैं लोग चैतन्य रहते हैं तो देह में रहते हैं और यहाँ से जाते हैं तो नींद में जाते हैं चैतन्य रहते हुए अपने घर नहीं जाते तो ध्यान क्या है चैतन्य रहते अपने घर जाना बासी उस देश को जहां पार ब्रह्म का खेल दिया भले अगम का बिन बाती बिन तेल ये है ध्यान जाना तो अब कई ध्यान सिखा दिए हैं आज भी एक दो मिनट का कोई सरल और कोई थोड़ा करने का करने के ध्यान लोगों को अनुकूल पड़ते हैं अब आज आप मुझे देखें लेकिन आप कैसे करेंगे ये बंधन मैं नहीं आपकी स्वतंत्रता रहेगी पर आ, अपनी जगह पर बैठे स्वास और शरीर दोनों ही लाएंगे और फिर रुक जाएंगे ऐसे श्वास लेंगे श्वास लेने में शरीर न हिले ऐसी कोशिश नहीं करना बल्कि हिले जैसे पहले साइकिल के पंचर सुधारते थे या हवा भरते थे तो केवल हाथ से जो ताकतदार होते हैं वो तो केवल हाथ से यूं करते थे और हम लोग तो कमज़ोर थे तो हाथों से इतना ताकत नहीं लगती थी तो अपन यूं-यूं करते थे इसी तरह ताकतवर आदमी जब कुएं से पानी भरते थे तो हाथों से बस ऐसे ऐसे हमने देखा पानी भरते और हम छोटे थे तो कैसे भरते थे पकड़ के रस्सी लटक जाते थे फिर धीरे से करते फिर लटक जाते थे हाँ क्योंकि पूरा वजन लगाएं तो ऊपर बाल्टी आवे तो ऐसे लटकते थे तो इसी तरह आज जब आप श्वास लें ना तो खाली श्वास ही नहीं लें सिर्फ फेफड़े और छाती ही नहीं आपका सारा शरीर कुछ करे अब आंख बंद करें ये पांच बार करेंगे टाइम आपका अपना आज समझो अकेले कर रहे हो तुम घर में हो समझो आप अपने आप श्वास लो शरीर को हिलाओ और अपने आप रुक जाना फिर अपने आप हिलाते रहना फिर अपने आप रुक जाना पांच बार करना है थोड़ी देर तक करते रहो आनंद से करो उत्साह से करो उमंग से करो भूल जाओ दुनिया कोई मरा भी है तो उसकी चिंता छोड़ दो घाटा हुआ है तो भूल जाओ घर में लड़ चुके हो तो याद करके यहाँ रो मत कुढ़ो मत सब भूल जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं हम अभी अभी जन्मे हैं अभी अभी जन्मे हैं न हम अपमान जानते हैं न मान न लाभ जानते हैं न हानि बस श्वास ले रहे हैं बस श्वास ले रहे हैं खेल रहे हैं खेल रहे हैं दुखी आदमी खेल भी नहीं सकता दुखी आदमी को हंसाओ तो हंसाने वाले से चिढ़ता है बहुत अच्छे अपने आप श्वास लेते रहो शरीर को हिलाते रहो अंदर होश में रहो अंदर अंदर जागे रहो चिंता मुक्त चिंता मुक्त दुख से रहित लाभ हानि की चिंता छोड़ दो बिल्कुल कोई लाभ हानि जय पराजय ख्याल कुछ नहीं आप तो आनंद में हो खेल रहे हो बच्चे की तरह हो स्वर्ग का द्वार बच्चों के लिए खुला है आ, सुई किए छेद से हाथी निकल सकता है पर संसार में फंसा व्यक्ति परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता इसलिए थोड़ी देर को संसार छोड़ो लाभ हानि जय पराजय मेरा तेरा जो किया है पाप और पुण्य सबको आग लगा दो मेरे गुरुदेव कहते थे लगा कर सब कर मन में आग अरे मन निज स्वरूप में जाग बहुत अच्छे जब इच्छा हो रुक जाना जब इच्छा हो रुकना आराम करना दोबारा शुरू करना आप स्वतंत्र हो बिल्कुल समझो अकेले हो घर में कर रहे हो मैं नहीं हूँ मेरी अनुपस्थिति है आप कैसे करेंगे आप अपने शरीर की क्षमता जानते हैं मन की प्रसन्नता आप जानते हैं जब इच्छा हो अच्छा लगे कर चलो जब इच्छा हो छोड़ दो आज भीतर से गुरु गाइड करेंगे आप अंदर से अंदर की गाइडेंस पर चलें अंदर के सुझाव से चलें अंदर की मांग को समझें मेरी नहीं मुझे क्या पता कब आप थके मुझे क्या पता कब आपका मन करता है चुप होने को आप अंदर की सुनो अंदर की समझो अंतरात्मा आपकी क्या चाहती है अंतर मन क्या चाहता है मन की भी कई पुरते हैं ऊपर वाला मन चाहता है कि करें को भीतर वाला कहता है ना करें कई बार दान देने को ऊपर वाला मन तो करता है दे दो भीतर वाला कहता है नहीं ये मन की भी पुरते है प्याज का जैसे छिलका होता है ना प्याज में छिलका 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 ऐसे ही मन की कई पुरतें ऊपरी मन कुछ भीतरी कुछ चाहता है भीतरी मन क्या चाहता है आज आलस से बिल्कुल नहीं हो देखो ध्यान रखो से ना हो आलस से नहीं चाहिए चिंता नहीं चाहिए सच्चे मन से करना चाहिए कितना उसकी नाप तुम ही जानते हो हम नहीं जब इच्छा हो श्वास लेने लगो शरीर को हिलाने लगो जब चाहो रुक जाओ बहुत अच्छे समझो अकेले हो आलस से भी नहीं करना अकेले में प्राय मन कहेगा अरे इतना ही बहुत है कर सकते हो पर नहीं करेगा कभी कभी दूसरा गुरु इसलिए चाहिए कि तुम्हारा मन धोखा देता है कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल को इस धूर्त मन की चाल को कोई कोई संत जानते सब वो भी नहीं कोई संत कोई संत जन ही जानते नहीं ये सबको धोखा देता है कर सकता है कहता है अरे इतना ही बहुत है आलस्य तमोगुण कहेगा बस तो तमोगुण नहीं चाहिए आलस्य नहीं चाहिए निद्रा नहीं चाहिए भय नहीं चाहिए शर्म नहीं चाहिए इन सब विकारों से रहित अभी हो जाओ भय छोड़ दो चिंता छोड़ दो शर्म छोड़ दो खूब करो खूब करो खूब करो आलस्य छोड़ दो अड़ोसी पड़ोसी की चिंता नहीं करो जब मन हो तब रोक दो रोकने में भी अंदर की सुनो मेरी नहीं तुम्हारा अंतर मन जब कहे ऊपर का मन तो थोड़े में कहेगा मरा सा अरे बस इतना ही बहुत है श्वास क्या लेना क्या हिलना जैसे बीमार तो मन जल्दी छोड़ने को कहेगा पर ऊपर वाले मन की ना सुनो भीतर वाला मन जब कहे रुकना है तो रुक जाना भीतर मन वाला कहे करो तो करना गहरे मन की सुनो ऊपर की नहीं कोई कर्म ऊपर के नाते मत करो दिखावा मत करो नाटक मत करो आज आप अंतर के दिल की गहरे दिल की सुनो जो आपका दिल कहता है जो आपका अंतर आत्मा कहता है जो अंतर से भीतर की आवाज़ महात्मा गांधी कहते थे मेरी आत्मा की आवाज़ है आज तुम्हारी आत्मा की इच्छा पूरी हो आत्मा की इच्छा तुम्हारी इच्छा या सच्ची इच्छा पूरी हो झूठी वालों को आग लग जाए सच्ची इच्छा पूरी हो सच्ची इच्छा जब इच्छा है करने लगो जब चाहो छोड़ दो जब चाहे करने लगो जब चाहो छोड़ दो समझो ये आखिरी बार है हाँ आखिरी बार कर लीजिए करते रहिए करते रहिए आनंद से करते रहिए आनंद से करते रहिए बहुत अच्छे आंख बंद रहेगी अब आराम करिए अब आप जो आप योगासन के समय करते हैं आज मेरे समय पर करो अब आप हंसो आंखें बंद रखो खूब हंसो 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 खूब हंसो और हंसो कोई लुट नहीं गए पिट नहीं गए बहुत अच्छे और हंसो और हंसिए और हंसिए और हंसिए हँसते रहिए हँसते रहिए हँसते रहिए हँसते रहिए बहुत अच्छे और हंसिए बस इतनी ही ताकत है आपके हंसने की और हंसो हाँ प्राण निकल जाए हंसते 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 प्राण निकल जाए लोग रो रो के प्राण छोड़ते तुम हंस हंस के छोड़ जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद मरने से ही पाइये पूर्ण परमानंद और हंसीे और हसीये कम से कम हंसते 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 हाँ आकाश फट जाए हंसो और हंसो और हंसो लंबी श्वास लेके हंसो फिर लंबी श्वास भर के फिर हंसो फिर लंबी श्वास भर के हंसो अब लंबी श्वास लीजिए खूब लॉन्ग इनहेल लंबी श्वास फिर हंसो हाँ हंसो हाँ हंसो हाँ हंसो हाँ हंसो हाँ हंसो हाँ बहुत अच्छे और अभी कम से कम एक मिनट हंसने का नाटक न ना करो हंसो नाटक नहीं हंसो बहुत अच्छे बहुत कर लिया नाटक अब असली हंसी और अब चोरी चोरी हंसो चोरी चोरी छिप के चोरी से आवाज न जाने जैसे बच्चे को माता पिता डांटे फिर भी हंसने को नहीं मानते ऐसे ही आप अंदर अंदर मुस्कुराओ आप दिल को देखो दिल तुम्हारा खुश है, दिल तुम्हारा हंस रहा है अंतर मन हंसता है कई बार अंतर मन रोता है ऊपर का हंसता है शुरुआत चलो ऊपर से कि अब भीतर का मन हंस रहा है भीतर का मन मुस्करा रहा है बाहर तो कुछ पता नहीं यदि वीडियो बने तो मुंह लटका हुआ नहीं हो बस हाँ जैसे अभी अभी शादी होके आ रहे हो जैसे अभी अभी रिजल्ट आया है जैसे अभी अभी लॉटरी आई है अरे कोई तो फ़ायदे की याद करके हंसो मुस्कराओ आपके अंदर खुशी अब आज कोई खुशी नहीं बिना किसी चीज़ की खुशी धन पाके हंसे, शादी में खुश हुए आज सब कुछ चौपट करके भी खुश हो जो ख्याल करो जैसे सब कुछ नष्ट हुआ पर मैं आनंदित हूँ मृत्यु हो रही फिर भी मैं आनंदित हूँ शरीर नष्ट हो रहा फिर भी मैं आनंदित हूँ आज मैं प्रसन्न रहूँगा सारी दुनिया चाहे नष्ट हो जाए अंतर अंतर प्रसन्न सचमुच याद करो सांप ने मुझे काट लिया पर मैं आनंद में हूँ ख्याल करो बिच्छू बिच्छू ने काटा है मान लो कोई मारने आ गया है मेरी हत्या कर रहा है शरीर की हत्या कर रहा है पर मैं आनंदित हूँ है तो बड़ी कल्पना विचित्र लेकिन करके देखो मैं आनंदित हूँ मैं आनंदित हूँ शरीर जाएगा ही हमें यही तो सीखना है कि शरीर मर रहा होगा सब लोग रो रहे होंगे और मैं हंस रहा हूँ जब तू आया जगत में सब हंसे तू रोए जब तू जगत में आया सब खुश हुए थे तू रोया था पर ऐसी करनी कर चले तू हंसे जग रोए अब तू जगत रोए तुम्हारे मरने को तुम आनंदित हो क्योंकि तुम मरे ही नहीं रहे हम न मरे मरिए संसारा हमको मिला जियावन हारा जो हम नहीं मरते देह मरेगा इंद्रियां मरेंगी और सब मरेगा ये छूटेगा मैं कहाँ छूटूंगा सब छूटेंगे मैं तो मैं ही रहूंगा मैं बिना आँख का रहूँगा बिना मन का रहूँगा बिना तन का रहूँगा अंदर सजग सजग अंदर अंदर मुस्करा रहे हो अंदर, अंदर अंदर प्रसन्न हो अब ये प्रसन्नता आवाज़ की हंसी नहीं है पर मेरी प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते बुद्धि मन की प्रसन्नता तन की नहीं मन की मन डायरेक्ट सीधा मन प्रसन्न है एक शब्द सुना है ये आदमी प्रसन्न मन लोग प्रसन्न मन नहीं है प्रसन्न धन है प्रसन्न पद है प्रसन्न मन तो कोई कोई होता है आज हम प्रसन्न मन है हमारा मन प्रसन्न है और प्रसन्न चित्त जिसका होता है जिसका चित्त प्रसन्न है धन को पाकर जो प्रसन्नता है वो प्रसन्न चित्त नहीं है उसकी ऑब्जेक्टिव कॉन्सियसनेस है वो किसी विषय को पाकर खुश है और आज मैं कुछ भी नहीं प्रसन्नता सीधा सीधा मैं पी रहा हूँ प्रसन्नता ले रहा हूँ प्रसन्नता मेरे से प्रकट हो रही है मुस्कराओ अंदर से प्रसन्न हो अब श्वास में रा श्वास जब जाती है तो रा और लौटती है माँ जबान नहीं आवाज़ नहीं एक संकल्प श्वास जब ले रहे हैं रा राम नाम लेते हुए जो राम नाम जो राम का नाम लेकर के मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे अब आप समझो हम मर रहे हैं राम का नाम लेकर के मरने की तैयारी कर रहे हैं डर नहीं रहे तैयारी कर रहे हैं शरीर छोड़ेंगे सब छोड़ेंगे हम रहेंगे राम का नाम लेकर के जो मर जाएंगे राम का नाम श्वास लेते हुए रा श्वास छोड़ते हुए माँ श्वास लेते हुए रा श्वास छोड़ते हुए माँ ये राम नाम लेके सब दुनिया छोड़ देंगे दुनिया की याद किस किस की याद करिए किस किस को रोइए आराम बड़ी चीज है मुंह ढक के सोइए सारी दुनिया छोड़कर विश्राम करो सोइए माने विश्राम करिए विश्राम करिए माने सब छोड़िए देह भी छोड़ दीजिए इंद्रियां भी छोड़ दीजिए चिंता भी छोड़ दीजिए मेरे तेरे का ख्याल भी छोड़ दीजिए इस मन में मेरा तेरा सब काम क्रोध लोभ सब छोड़कर नाम लीजिए प्रभु का नाम लीजिए बस थोड़ी देर बहुत अच्छे श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं प्रभु नाम से और कोई इच्छा नहीं ना धन की इच्छा ना पद की इच्छा ना प्रतिष्ठा की इच्छा ना काम ना क्रोध ना लोभ ना भय थोड़ी देर के लिए अभी मैं नहीं कहता दिन भर के लिए सब छोड़ दो दिन भर धन की चिंता करो परिवार की करो देश की करो समाज की करो जैसे गहरी नींद में जाते हो तब कोई चिंता नहीं करते तो ये दो चार मिनट के लिए मैंने सारी चिंता छोड़ दी केवल राम नाम ले रहा हूँ कभी चिंता ना हो ऐसा तो अभी हमारा ही मन नहीं है हम भी कभी कभी चिंता करते हैं हमारे मन में भी बहुत कमियां हैं पर कुछ सेकंड के लिए कह रहा हूँ एक सेकंड ऐसा हो जब तुम्हारे मन में न लोभ है न भय है न काम है न क्रोध है न ईर्षा है न द्वेष है न स्वार्थ है न भय है बिल्कुल कोई भय नहीं बस तैयार हैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं जिसकी लोग चिंता करते हैं जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद मेरे मन में तो आनंद है छोड़ नहीं है अभी तैयार हूँ भगवान ने कहा भ्रू और मध्य प्राण महावेश सम्यक जब प्राण छोड़ना हो भ्रूव मध्य में भ्रुव मध्य में श्वास को लेकर रोक दे श्वास लेकर भ्रूव मध्य में शिर के भीतर श्वास रोककर शरीर का त्याग करे तो तुम अभी प्राणांत तो नहीं भी होता तब भी शरीर छोड़ने जैसा करो चिंता छोड़ दो क्रोध छोड़ दो भय छोड़ दो ध्यान में क्या करो शरीर नहीं छूटे तो अभी नहीं छूटे भय छोड़ दो मरने की चिंता छोड़ दो शरीर छोड़ने का मतलब मरने का ख्याल छूट गया शरीर छूटा मरना गया शरीर छूटा मेरे गए मेरे गए तो सारे नुकसान गए कोई मेरा हो तो मैं लूट जाऊं? ना कोई देहमय है ना कोई मेरा है यही मरना है वो मरना तो ऐसे ही है बेकूफ लोग जो मरते हैं फिर जन्म के आ जाते हैं शरीर छोड़ते हैं फिर पकड़ते हैं कहाँ छोड़ते हैं तुम तो ध्यान से छोड़ो शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं परिवार से मेरा लेना देना नहीं धन से मान से अपमान से लाभ से हानि से जैसे पराजय से थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए ऐसी शांति जितनी जीवन में कभी नहीं आई बहुत अच्छे थोड़ी देर के लिए सबसे मैं रहित हो गया काम क्रोध लोभ मोह भय शोक लज्जा कोई चीज नहीं है फिर क्या है मेरे मेरी चेतना में राम नाम है सब सुखदाता राम है दूसर ना हीन कह नानक उसका सुमिरन ते सुमिरत हो सब सुखदाता राम है दूसर ना हीन इस राम नाम का सुमिरन कर यही अंत सहाय होता है यही अंत में सहायता करता है अभी भी समझो अंत ही है सब जाता ही है अभी जाए या कभी जाए तो तू मान की चिंता करके लोभ की चिंता करके मेरी येरी सोचते हुए क्यों जाए मेरी मेरी स्त्री को मेरी मेरी कहते गए कोई धन को मकान को मेरा मेरा बनाते चिंता कोई पुत्र की याद में कोई नारायण की स्मृति करते शरीर छोड़ते हैं संसार की चिंता करते करते सो जाते हो संसार की चिंता करते प्राणांत तो होता है भगवान की याद करते करते अंतकाल में जो नारायण सुमिरे ऐसी चिंता में मरे अब परमात्मा की याद करते करते एक मिनट भगवान शंकराचार्य ने कहा है, केवल मन की एकाग्रता नहीं जिसकी एकाग्रता परमात्मा में है जिसकी स्मृति परमात्मा में है बस बहुत अच्छे दो मिनट इसके बाद छुट्टी दो मिनट के लिए बिल्कुल को जैसे छूट गया मुझे शरीर से लेना देना नहीं दुनिया अंतर भाव करो अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं दुखी नहीं हूँ सब नष्ट हो जाए मैं तैयार हूँ अंदर से तैयार हूँ मैं राजी हूँ मैं राजी हूँ इसी में हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है यहाँ यूँ भी वाह वाह है वो भी वाह वाह है ये तो सब जाना ही है होना ही है चाहे हम साधु बन जाए कुछ बन जाएं सब छूट नहीं छूटना तो छूटना पर दिल नहीं छोड़ता आज दिल ने छोड़ दिया चिंता शर्म भय संकोच श्वास श्वास में हरि को सुमरे श्वास ग्रास ना बिसरे ग्रास न विसरे आते जाते नाम न विसरे नाम न विसरे ऐसी कृपा करो महाराज नाम न विसरे ऐसा स्मरण करते करते एक दो मिनट और इसके बाद छुट्टी बहुत अच्छे बहुत अच्छे दो मिनट का समय और है आ, जो थोड़ी बहुत ख्याल हो वो भी छोड़ दो दर दर्द हो एक आध मिनट को उसकी परवाह छोड़ो क्या है सब होता है हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं तो क्या नहीं होता सब हो रहा है कोई मतलब नहीं थोड़ी देर के लिए मैं अंदर की शांति में डूब गया परमात्मा के आनंद में डूब गया प्रभु नाम की याद में मस्त हो गया विशेष करके मन से छुट्टी तन से ना भी हो तो चलेगा तन तो प्रकृति ले लेगी मन नहीं ले पाती इसलिए मन से छुट्टी पा जाओ जैसे मेरे मन ही नहीं है मन से कोई मतलब ही नहीं है मन में कोई इच्छा ही नहीं है मन से पीछा छूटा क्योंकि मन नहीं पीछा छोड़ता तेरो मेरो तेरो मन दर्पण कहलाए यही नहीं पीछा छोड़ता भले बुरे को देखे और दिखाए तेरो मन दर्पण कहलाए इस जग से चाहे भाग जब पगले मन से भाग ना पाए तेरो मन दर्पण कहलाए मन से भागना बड़ा कठिन है इसलिए मन से छुट्टी पा जैसे मन है ही नहीं आमन 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 अमन ज्योत हो अमन चेतन अमन आत्मा अमन साक्षी तू अमन हो जा तू अंदर जाग मन खो जाएगा मन लकड़ी है यदि अंदर आग लगी तो लकड़ी खो जाएगी ये मन जड़ है तू चेतन है तू सजग होगा ये मन जल जाएगा मन खो जाएगा चैतन्य लौ रह जाएगी बहुत अच्छे और अब धीरे 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 सहज भाव में आइए आज दस मिनट का टाइम हम दे रहे हैं कि यदि कोई कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं चूँकि ये ध्यान की दृष्टि से यह समापन सभा है आ, समाप्त का भी एक अर्थ होता है सम्यक आपतम समाप्तम अर्थात जिसके लिए हमने किया था उसकी प्राप्ति हो गई इसका नाम समाप्ति सम्यक प्रकार आपतम अच्छी तरह से उसे पा लिया जान लिया जिसके लिए ये आयोजन हुआ था इसका नाम समाप्ति है या यूँ समझो कि कथा का तो अंत होता नहीं समय है चला जाता है ये सब स्मरण चलता है शरीरांत तो होता है मनांत तो होता है निद्रांत तो होता है आत्मा तो अनादि और अनंत है इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं कोई कुछ पूछना चाहे तो नज़दीक आके भी पूछ सकते हैं वहाँ से भी पूछ सकते हैं अगर दर्शन होता है तो उसका रूप क्या है आत्मा का दर्शन इसलिए नहीं होता कि आत्मा माने मैं और मैं और सब का दर्शन कर सकता हूं अपना नहीं जैसे आंख आपको या आंख की लालिमा आपको नहीं दिखती आंख में होती है तो जो बहुत नजदीक होता है वो नहीं दिखता फिर मैं को मैं कैसे दिखेगा फिर मैं को देखने का अर्थ क्या होता है मैं के देखने का अर्थ है कि मैंने ये देखा मैंने ये देखा मैंने ये देखा इसका मतलब मैं उस समय भी हूँ मेरा होना है चेतन हूँ ऐसे करके दिखता है ऐसे दिखाई नहीं देता दूसरा ये है कि कभी कभी हम लोग जब सुनते हैं तो सुनने के अनुसार हमको दिखाई भी पड़ जाता है जैसे एक व्यक्ति ने जैसे एक व्यक्ति ने अपनी आत्मा को उसने अपने कमरे में निकली हुई प्रकाश की तरह देखा कि उस जैसे मेरी आत्मा निकल गई और मुझे रोशनी की तरह आत्मा बाहर दिखाई पड़ी तो तो रोशनी दिखाई पड़ी आत्मा तो तब भी नहीं दिखाई पड़ी पर इस तरह भी दर्शन होता है जैसे हम भगवान को ब्रह्म को भी ये कहते हैं व्यापक है पर हमको भी साकार रूप में दर्शन हुआ तो जब दर्शन होगा तो साकार रूप में होगा चाहे भगवान का हो चाहे आत्मा का हो निराकार रूप में दर्शन नहीं होता निराकार तो आपका स्वरूप है ये इसलिए और किसी ने पूछा है कि प्राण क्या है ये जो श्वास चलती है ये प्राण नहीं है प्राण के कारण श्वास लेते रहते हैं और जब प्राण इस शरीर को छोड़ देता है तब श्वास नहीं लेते ये श्वास को फेंकने और लेने की जो अंदर से एक शक्ति है जैसे देखना अब ये एक यंत्र है पर देखते हैं तो ये इंद्रियाँ ये जो दिखाई पड़ती हैं यही इंद्रियाँ नहीं हैं ऐसे जो क्रिया होती है यही प्राण नहीं है प्राण के कारण ही ये शरीर में रक्त संचार होता है फेफड़े काम करते हैं जैसे खून की चाल आप श्वास रोक लेते हैं थोड़ी देर तब भी खून चल रहा है आप लेटे हैं सो जाते हैं तब भी प्राण शरीर में रक्त संचार करता है तो प्राण के पांच पांच प्राण हैं प्राण अपान समान उदान तो इस तरह से पांच तरह का प्राण काम करता है शरीर में तो केवल श्वास लेना ही प्राण नहीं है इसीलिए समाधि में प्राण रुक जाता है और तब भी व्यक्ति जीवित रहता है और एक प्रश्न है जो बड़ा है और उसको हम शाम की सभा मिलेंगे शरीर मन बुद्धि इंद्रियां सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर कारण शरीर आत्मा परमात्मा जीवात्मा ये सब तो समझ में आता है लेकिन पूज्य गुरुदेव प्राण समझ में नहीं आता नहीं आ रहा तो इसका मतलब अभी परमात्मा भी समझ में नहीं आया जिसको प्राण समझ में नहीं आया उसको परमात्मा भी समझ में नहीं आया कारण शरीर भी समझ में नहीं आया वो तो एक सुसुप्ति सुसुप्ति करके रटा हुआ है कारण शरीर सुसुप्ति में रहता है कैसे तुम्हें मालूम तो अभी प्रा प्राण ही समझ में नहीं आया ऐसा नहीं है अभी आत्मा परमात्मा भी समझ नहीं आया पर फिर भी वो बुद्धि के स्तर में क्योंकि प्राण क्या है और आत्मा क्या है आत्मा वो है जिससे प्राण निकलता है ये ज़रा ध्यान दें उपनिषद है केनो केनो उपनिषद केनो उपनिषद में इसका वर्णन है कि वो चक्षु की भी चक्षु है प्राणों का भी प्राण है और वाणी जिससे प्रकट होती है वाणी से जो प्रकट नहीं होता प्राण जिससे प्रणित तो होते हैं वह प्राणों से नहीं तो जब आप प्राण आत्मा को जान जाएंगे, परमात्मा को तो उससे तो प्राण क्रिया करता है प्राण कहीं और नहीं प्राण सब परमात्मा के आश्रित रहता है इंद्रियां भी आत्मा परमात्मा के आश्रित रहती हैं तो आप और शेष चर्चा इस आत्मा परमात्मा की शाम करेंगे गुरुदेव मैंने कई संतों द्वारा तथा योग प्रकृति के द्वारा सुना था पढ़ा है कि जितने कम श्वास प्रश्वास लेवेंगे उतनी मनुष्य की आयु बढ़ेगी लेकिन आपने श्वास प्रश्वास ध्यान में ज़्यादा लेने को कहा है हाँ असल में लोग ये कहते हैं श्वासें गिन के मिली हैं ज़्यादा खर्चेंगे तो कम हो जाएंगे ऐसा लोगों का कहना है पर श्वास जब कोई जान कर ज़्यादा लेता है साधना से तो फिर बाद में कम चलती है ज़रा ध्यान दें पहले जो हम गलती से श्वास लेते हैं उससे श्वासों की गति बढ़ती है पर जब हम प्राणायाम करके श्वास ज़्यादा लेते हैं तो दिन दिन भर फिर श्वास कम चलती है यहाँ तक ध्यान करते जाएंगे तो श्वास कम हो जाएगी और उसका एक और सबूत आप तेज़ श्वास लीजिए थोड़ी देर फिर रुक जाइए तो आप मिनट मिनट तक बिना श्वास के रुके रहेंगे ऐसे एक मिनट में कितनी श्वासें चलती हैं तो श्वास कम हो जाती है ध्यान वाले की भी श्वास कम हो जाती है श्वास की लंबाई भी कम होती है जैसे बारह अंगुल श्वास आम आदमी की चलती है फिर ग्यारह अंगुल दस अंगुल जो श्वास निकलना और वापस होना जैसे झूला होता है ना तो इधर कितना गया इधर कितना गया इस दूरी को देखें चार फुट तीन फुट दो फुट एक फुट छः इंच दो इंच एक इंच जीरो झूला झूलते झूलते कम ऐसे ही श्वास भी झूले की तरह अंदर बाहर होती है आरे की तरह चलती है ऐसे ये धीरे धीरे इसकी लंबाई कम होती है उसको हम कम मानते हैं श्वासों की गिनती नहीं दूरी घटती चली जाए कम जावे कम आवे उसको मानते हैं ज़्यादा लाभदायी है पर वो इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं प्राणावरोधो बिना प्रयत्नात् बिना रोके जैसे झूले को आप झूला रहे हैं तो आप चाहें ये है सेंटर झूले को यहाँ पकड़ सकते हो पर जब झूले को छोड़ोगे वो इधर को भगेगा पर जब सेंटर में आके झूला रुकता है तो अपने आप रुकता है हिलना कम होते होते सेंटर में तो हमारी श्वास का आना जाना घटता है जिसका नाम केवली कुंभक है एक प्राणायाम में शब्द आता है केवली कुंभक माने केवल श्वास रुक जाना आना जाना बंद होना तो प्राण निकला नहीं है अंदर ही पर आना जाना बंद है फंक्शन नहीं करता चलता नहीं है वो सबसे ऊंची स्थिति है तो अभ्यास आप, आप कर सकते हैं तो ज्यादा श्वास लेने से फायदा है चिंता मत करो और श्वास कम भी करोगे जिसके कारण आप कहते हो कि प्राणायाम ना करें प्राणायाम नहीं करोगे तो वैसे ही कम जिंदा रहते हो बीमार रहते हो तमाम कष्ट रहते हैं तो प्राणायाम बहुत आवश्यक है और प्राणायाम भी दो तरह का होता है लंबी श्वास लेना रोकना और छोड़ना या लंबी लेना लंबी छोड़ना उसमें भी संख्या कम होती है एक प्राणायाम है भस््री का जिसमें जल्दी चलती है बाकी सभी प्राणायामों में जैसे लेना आपका समय बर्बाद ना हो इसलिए मैंने जल्दी छोड़ा है पर दस दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस सेकंड लेना दस पंद्रह बीस सेकंड छोड़ना और ये श्वास को देर तक लंबी करने का सबसे अच्छा है भ्रामरी प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम से श्वास देर तक चलती है जैसे कुंभक से मस्तिष्क संबंधी रोग भी ठीक होते हैं और लंबी श्वास लेकर जब आप ध्वनि करेंगे तो धीरे धीरे श्वास निकलती है बहुत टाइम लगता है यदि दिन में और दूसरे ये हा नहीं रही थे इसको कभी भी कर सकते हैं चलते फिरते बैठे कभी भी मेरे गुरु भाई थे बहुत दीर्घायु होकर के उनका शरीर छूटा पतले थे लेकिन उनकी रीढ़ टेढ़ी नहीं थी वो सभा में भी बैठे होते थे तो ऐसे उनकी ध्वनि चलती रहती थी ऐसे हाथ रखते थे ज्यादातर ऐसे वो यूं और यूं जैसे प्राय आपने सुना होगा यूं करते हैं भ्रामरी ये तो विशेष ढंग है पर चौबीसों घंटे करना हो तो नाखें बंद करनी ना कान रूंधने तो मेरे गुरु भाई करते ही रहते थे सभा में भी बैठे होते थे रीढ़ सीधी पतले से थे और ऐसे hmm. प्रवचनों में भी बैठे रहते थे प्रवचन सुनते भी रहते थे और चुपचाप ऐसे करते रहते थे अभी मेरे से भी थोड़ी धीमी ही करते थे बस एक धीमी सी ध्वनि करना तो ये चौबीसों घंटे करते रहें तो इससे बड़े लाभ हैं बाकी जो पर्चे रह गए हैं क्योंकि समय हो गया है ओम शांति शांति शांति